मैं कानून के बारे में एक मैं बात बताता हूँ कॉमन सेंस दुनिया में हिंदुस्तान में दुनिया में या जहां कहीं भी है तो सारा कानून कॉमन सेंस पर बेस्ड है कॉमन सेंस जो सही ऐसा लगे कि ऐसा होना चाहिए उस वही कानून बन जाता है यदि किसी ने एक को थप्पड़ मारा तो जिसने थप्पड़ मारा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए ऐसा कानून एक बन गया इस तरह से है किसी ने किसी की संपत्ति हड़प ली और वो संपत्ति उसको मिलनी चाहिए इसके लिए कानून बन गया है ना किसी की शादी का विवाद हुआ वही अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसकी पत्नी को उससे ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा क्या मेरे पास है अच्छा हाँ ठीक है तो उस, उसको उसकी पत्नी को उसका मेंटेनेंस मिलना चाहिए सारा कानून इस तरह से बेस्ड है ये ये पहला पहला होना चाहिए कि जितने भी कानून हैं तो ये सब कॉमन सेंस पे बेस्ड है जो आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए वो कानून है ये यदि ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है उसको उसको अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसको उसको डिक्लेयर कराया जाए अल्ट्रा वॉयस टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिक्लेयर डे, कराया जा सकता है तो इसलिए ये पहला ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमको बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जितने केसलास भी आपको मिलेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि तो जो रीजनेबल है जिसको कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होना चाहिए उसी प्रकार का जजमेंट है ये वैसा जजमेंट होना भी चाहिए ऐसा ऐसा है ये तो इसलिए पहला यदि हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हम हमारे पास हम हम कॉमन सेंस जो कह रहा है वही हो तो ऐसा ऐसा हम लेके चलेंगे तो हम फिर बड़ा हमारे लिए कानून का जो ज्ञान है वो इजी हो जाएगा सरल हो जाएगा ये ये चीज है पहला पहला तो ये होना चाहिए अच्छा फिर कुछ विशिष्ट कानून है कानून जो है तो बहुत सारे हैं स्पेशल लॉज होते हैं जो किसी एक देश के लिए पर्टिकुलर हो सकते हैं दूसरे देश के लिए नहीं हो सकते हैं ऐसा है तो ये इस तरह से ऐसे बहुत सारे कानून हैं, तो वो का वो कानून है वो स्पेशल लॉज रहते हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी